हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। और मेरा नाम अनिकेत पाठक है। डियर स्टूडेंट, आज जैसा कि सभी प्यारे बच्चों ने आज के दिन जो है हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया होगा, हिंदी का पेपर दिए होंगे, तो उम्मीद करते होंगे, आशा करते होंगे प्यारे बच्चों कि सब लोगों का, सब डियर स्टूडेंट का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। और प्यारे बच्चों, आगे के भी एग्ज़ाम आपके अच्छे जाएंगे, आप प्रिपेयर करके जाएंगे तो आपके अच्छे मार्क बनेंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। तो प्यारे बच्चों, उसी को नज़र में रखते हुए साइंस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, आज वो हम सॉल्व करा रहे हैं। आप उसको देख कर जाइए और आपको जो है 90% जो है उम्मीद के साथ कहते हैं कि आपको ज़रूर इससे बताए गए क्वेश्चन रिलेटेड आपको वहां पर ज़रूर मिल जाएंगे प्यारे बच्चों। तो जल्दी से जल्दी इस क्लास को शेयर कीजिए प्यारे बच्चों, और आइए आपके कीमती समय को नुकसान न करते हुए क्लास को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, तो आज सबसे पहला सवाल प्यारे बच्चों, मन में प्रश्न उठता है कि आखिर पेपर बनता कैसे होगा। तो आप लोगों ने हिंदी का पेपर दिए होंगे तो आपके अंदर की जो डर होगी वो समाप्त हो गई होगी। डियर स्टूडेंट, अब डर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले प्रश्नोत्तर एक आएगा, किसी को मान लीजिएगा आपके पेपर में यही प्रश्न पूछा गया, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो जाओ। क्या क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया है कि किसी भी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो जाओ, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर इसको लिखने के बाद वो टिक लगाते हैं जो उत्तर सही रहता है। तो डियर स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से गलत होता है। ये कॉन्सेप्ट केवल कॉपी भरने के तरीके होते हैं प्यारे बच्चों। आपको एक नंबर चाहिए और एक नंबर केवल लिखिए, प्रश्नोत्तर संख्या एक। क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या एक। अब एक का कौन सा कर रहे हैं, क नंबर, ख नंबर, ग नंबर, जो भी रहेगा वो आप लिख के जो ऑप्शन रहेगा वो आप टिक लगा दोगे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है ये आपने पढ़ ही लिया होगा। अब यहां प्रश्न आता है कि आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है चाहे जहां खड़े हो जाओ। तो देखिए, पहला ऑप्शन है केवल समतल दर्पण, आप देख रहे होंगे केवल अवतल दर्पण, ये दूसरा दर्पण, और तीसरा केवल उत्तल। तो आपने देखा होगा डियर स्टूडेंट, अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसमें प्रतिबिंब सीधा और उल्टा दोनों बनते हैं, सीधा उल्टा बनता है, दोनों बनते हैं। और जो उत्तल होता है उसमें जो प्रतिबिंब होता है उसमें सीधा तो बनता है प्यारे बच्चों, पर दर्पण के पीछे यानी आभासी बनता है। तो डियर स्टूडेंट, आपको ध्यान से समझना होगा, और कह रहा है आप चाहे जहां खड़े हो, कितनी दूरी पर खड़े हो जाइए, आपका प्रतिबिंब सीधा बनेगा, सदैव सीधा बनेगा। वो कौन सा दर्पण हो जाएगा प्यारे बच्चों, केवल एक हो जाएगा, समतल दर्पण। कौन सा दर्पण हो जाएगा प्यारे बच्चों, समतल दर्पण। समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है, वो आपका समतल दर्पण कहलाता है प्यारे बच्चों। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। और प्यारे बच्चों, ये एकदम आप स्टार वाला क्वेश्चन समझ लीजिएगा, कई बार आपसे गलतियां हो जाती हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है प्यारे बच्चों, यानी आपको यहाँ याद होना चाहिए कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, न कि माइनस होता है। तो प्यारे बच्चों आइए ऑप्शन में हेरिए कहाँ पर है, 3×10⁷ है, 3×10⁸ है। तो ये देखिए 3×10⁸, तो आप यहाँ पर टिक लगा देंगे, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तीसरा प्यारे बच्चों, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का परास कितना होता है, ये भी क्वेश्चन कई साल पूछे गए हैं डियर स्टूडेंट, और आपके इस रिलेटेड से पूछेगा कि प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का प्रकाश कितना होता है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन एंगस्ट्रॉम में भी दे दिया जाता है, एंगस्ट्रॉम में भी दे दिया जाता है, और कभी कभी यही तरंग दैर्घ्य मीटर में माप दिया जाता है। जैसे ये जो 4000 है वहाँ 4000 ऐसे लिख सकता है प्यारे बच्चों, जैसे आपको यहाँ से लिखना हुआ ये ऑप्शन ऐसे भी दे सकता है, 4×4 दे देगा 10⁻¹⁷ से 8×10⁻¹⁷। तो प्यारे बच्चों
ये 4000 एंगस्ट्रॉम को ही चेंज किया गया है और 8000 एंगस्ट्रॉम को ही चेंज किए हैं, तो जो इस रूप का इस रूप में आ गया है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार भी आपके ऑप्शन दे सकते हैं, यहाँ भी 5×10⁻⁷ 8×10⁻⁷ दे सकता है डियर स्टूडेंट। तो आप हड़बड़ाइएगा मत, चाहे इस रूप में दे चाहे इस रूप में दे, हमको केवल एक बात याद रखना है कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। तो हम कौन सा ऑप्शन नंबर लगाएंगे प्यारे बच्चों, ये वाला लगा देंगे कि पहला वाला सही है कि प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का परास जो होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। आइए अगला देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है जी स्टूडेंट। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार बच्चे इसमें भ्रम में आ जाते हैं, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, इस समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, अनंत होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों, अनंत होती है। आप इसके ऊपर गोला नहीं बनाएंगे, हमने आपको केवल इसको अच्छे से दिखने के लिए हमने गोला बनाया है, आप केवल टिक लगाएंगे। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है प्यारे बच्चों, अनंत होती है। अब कहोगे आगे देखिए आपका क्या है, दीप्त प्रकाश स्रोत है, कांच है, बल्ब है, चंद्रमा है, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप जान लीजिएगा दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है। प्यारे बच्चों ऐसा प्रकाश स्रोत जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है वो क्या कहलाते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। आप सोचिए इसमें से सबसे पहला एग्जाम्पल दिया है कांच। आप अगर देखे होंगे प्यारे बच्चों तो जो मोबाइल वोबाइल होते हैं या तो आप लोग जो कांच के सामने अपना चेहरा देखते होंगे वो, तो प्यारे बच्चों आप अगर देखेंगे तो अगर इस मोबाइल पे प्रकाश ना पड़े तो ये मोबाइल अगर मान लीजिए अंधेरे पर रखी हो तो ये मोबाइल आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, इस मोबाइल का कांच आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। क्या तो आप कह सकते हैं कि इस कांच के पास खुद का प्रकाश है, नहीं है। जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है वो दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं और जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होते वो अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों आपसे क्या पूछा है, बताइए इन तीनों में से कौन दीप्त प्रकाश स्रोत हैं। तो प्यारे बच्चों आप देखिए, क्या कांच के पास खुद का प्रकाश होता है, नहीं प्यारे बच्चों। कांच पे जब प्रकाश पड़ता है तब कांच चमकता है, यानी कांच आपका दीप्त प्रकाश स्रोत नहीं है। अब बताओ का चंद्रमा, चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से लेकर चमकते हैं, तो ये भी आपके विकल्प कैंसिल हो गए प्यारे बच्चों। ये जो बल्ब देख रहे हैं आप, ये देखिए बल्ब जो होता है ये एक ऐसा स्रोत होता है जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। अब आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हो प्यारे बच्चों तो हम आपको जरूर दिखा सकते हैं कि देख लीजिएगा कि बल्ब जो होते हैं वो बल्ब के पास जो होता है स्वयं का प्रकाश होता है। डियर स्टूडेंट आप ये देख सकते हैं, देखिए ये जो बल्ब है इनके पास स्वयं का प्रकाश है, ये खुद प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं, ये किसी से प्रकाश लेते नहीं है। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। तो प्यारे बच्चों हम इसको रख देते हैं आसानी से, क्योंकि ये रिस्क वाली चीज़ है, आप लोगों के लिए रिस्क उठा सकते हैं हम। तो ये आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, परावर्तन का द्वितीय नियम क्या है। देखिए यहां कह रहा है परावर्तन का द्वितीय नियम क्या है। प्यारे बच्चों परावर्तन का जो द्वितीय नियम होता है वो आपने क्या पढ़ा है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। और आपने पढ़ा होगा आपतन कोण को आई से व्यक्त करते हैं और परावर्तन कोण को आर से व्यक्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर आपको न याद आ रहा हो तो आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा, ये आपने ऐसे कुछ डायग्राम बनाए होंगे, ये आपका अभिलंब रहा करता था, ये आपका आपतन कोण होता था। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण कौन सा कोण कहलाता था, आपतन कोण कहलाता था। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता था, परावर्तन कोण कहलाता था। और ये कोण आई सदैव किसके बराबर होता है, कोण आर के बराबर होता है। यानी यहाँ हमको ये चीज़ जरूर पता है कि आपतन कोण आई बराबर आप
परावर्तन कोण आर। तो आप देख सकते हैं क्या ऐसा चीज कहीं पर आपको दिखाई पड़ रहा है डियर स्टूडेंट। तो आप देखिए कि ये ऑप्शन नंबर क्या है, एक सही है, यानी कोण आई बराबर क्या होता है कोण आर। ये तीनों आपके क्या है ऑप्शन, यहाँ गलत है प्यारे बच्चों। तो ये आपको 6 क्वेश्चन समझ में आए होंगे प्यारे बच्चों। आइए हम लोग आगे की तरफ देखते हैं कि इस क्रम में और कौन सा सवाल लगाया गया है। अब आपका यहाँ क्लास देखिएगा क्या है, उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब का प्रकीत होता है। क्या पूछ रहा है कि जो उत्तल दर्पण होता है उससे प्रतिबिंब बनता है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकीत बताइए। तो क्या पूछा है, वास्तविक बनेगा कि सीधा बनेगा, आभासी बनेगा कि सीधा बनेगा, आभासी व उल्टा बनेगा। चार ऑप्शन दिए रहते हैं डियर स्टूडेंट, तीन ही हमने लिखा है, इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन आपके प्रश्न का जवाब है। क्या कर रहा है, उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब। प्यारे बच्चों जरा सा अगर मेरे YouTube के द्वारा पढ़ाए जो पिछले वाले लेक्चर हैं आप उन्हें अटेंड किए होंगे, तो उसमें बताया गया होगा जो उत्तल दर्पण होता है उससे बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो दो स्थिति में बनता है। आप उत्तल दर्पण पे वस्तु चाहे जहां रखो डियर स्टूडेंट, प्रतिबिंब बनेगा, सदैव बनेगा, वास्तविक नहीं आभासी बनता है। क्या बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। क्या बनता है, आभासी और सीधा बनता है प्यारे बच्चों। तो आप गौर से ध्यान से समझिएगा कि उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा बनता है, आभासी व सीधा बनता है। तो प्यारे बच्चों ये वाले ऑप्शन को आप लोग टिक लगा दोगे ठीक। अब एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। प्यारे बच्चों इस प्रश्न को आप चाहे स्टार लगा लीजिए चाहे जो लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये इस फार्मूले पे इतने क्वेश्चन आपको जरूर ना जरूर कहीं ना कहीं आपको एक नंबर दो नंबर देके जाएगा प्यारे बच्चों। क्या कर रहा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है। अब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव आपकी क्या होती है, धनात्मक होती है। अब कह रहा वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो प्यारे बच्चों आपने एक सवाल एक संबंध पढ़ा होगा, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो किसी भी दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या के क्या होती है, आधी होती है। फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या के आधी, यानी वक्रता त्रिज्या बटे कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा डियर स्टूडेंट। अब आप देखिए आपसे वक्रता त्रिज्या पूछा है, जब वक्रता त्रिज्या पूछेगा डियर स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, कहीं आपको फॉर्मूले में नहीं भटकना है। जब आपको वक्रता त्रिज्या पूछे तो समझ लेना आर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, आर। और जितना दिया रहे, जैसे ये 20 दिया है, फोकस दूरी 20 दिया, तो 20 का दुगना क्या हो जाएगा, 40। तो प्यारे बच्चों ये हो गया। अगर ये वक्रता त्रिज्या दी हो, क्या दी हो, वक्रता त्रिज्या दी हो और फोकस दूरी पूछ रहा हो, तो इसी का आधा हो जाएगा। जब फोकस दूरी पूछता तो 10 हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या पूछेगा तो 40 हो जाएगा डियर स्टूडेंट। इस बात को आप समझिएगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आप यहां लगा सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब कह रहा है संयुग्मी फोकस कवन से दर्पण में संबंध है, संभव है, किस दर्पण में संयुग्मी फोकस संभव है। तो प्यारे बच्चों वो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण है। अब आगे देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये क्या कर रहा है, दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी यानी स्मॉल एफ व वक्रता त्रिज्या यानी स्मॉल आर की संबंध है, यानी इन दोनों में क्या संबंध होते हैं। तो प्यारे बच्चों अभी हमने ऊपर लिखा था कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होती है वो एफ बराबर आर बटे दो होता है। एफ बराबर क्या होता है, आर बटे दो। तो आप देखिए क्या एफ बराबर आर बटे दो यहाँ कहीं आपको दिखाई पड़ रहे हैं, नहीं दिखाई पड़ रहा डियर स्टूडेंट, पर आप इसी एफ बराबर आर बटे दो को आप लिख सकते हो आर बराबर क्या, टू एफ। आर बराबर क्या लिख सकते हैं, टू एफ, यानी आप यहां देख सकते हैं R बराबर 2F। आप ये ऑप्शन नंबर टिक लगा लीजिएगा प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, क्या कर रहा है, किसी प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन निर्भर करता है,
किसके ऊपर निर्भर करता है? प्यारे बच्चों आपने आवर्धन पढ़ा होगा, आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु के लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं, और रेखीय आवर्धन को यम से व्यक्त करते हैं। ये क्या पूछ रहा है? रेखीय आवर्धन किस पे निर्भर करते हैं प्यारे बच्चों? तो रेखीय आवर्धन जो होता है वो वस्तु के आकार पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा डियर स्टूडेंट। आगे आइएगा, क्या पूछा है? निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश तेजी से गमन करता है? क्या पूछा है? ऐसा कौन सा माध्यम है जिनमें प्रकाश तेजी से चलते हैं? तो आप देखिए प्यारे बच्चों, क्या केरोसिन, जल, मिट्टी, कांच? तो आप जानते हो प्रकाश की चाल जो होती है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है प्यारे बच्चों? जल में होती है। इन तीनों माध्यमों में से सबसे ज़्यादा चाल किस में होगी? जल में होगी। केरोसिन और मिट्टी और कांच जो है इनकी तुलना में ज़्यादा सघन हो जाएंगे, तो यहाँ ये आपका विरल होगा, तो विरल में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी प्यारे बच्चों। आइए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तल लेंस होता है। प्यारे बच्चों हमने बता के रखा है, अरे जो किनारे पर पतला हो और बीच में का हो मोटा हो, जो बीच में मोटा हो किनारे पर पतला हो वो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। इसी को तो अभिसारी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रकाश को फोकसित कर देता है, प्रकाश को सिकोड़ देता है। अब बताओ मिलाओ, बीच में मोटा, बीच में मोटा, यानी ये ऑप्शन नंबर ये सही है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से लेंस बनाने के लिए प्रयोग होता है। प्यारे बच्चों इन चारों ऑप्शनों में से आपसे पूछ रहा है लेंस किन किन चीजों से बनकर बनता है। तो डियर स्टूडेंट आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि केवल कांच से लेंस बनता है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है प्यारे बच्चों। लेंस बनाने के लिए जल की भी आवश्यकता पड़ती है, कांच की भी आवश्यकता पड़ती है, प्लास्टिक की भी आवश्यकता पड़ती है। यानी ऑप्शन नंबर क्या है आपका? चौथा सही है डियर स्टूडेंट। तो आपके चार नंबर ऑप्शन सही हो जाते हैं। आगे क्या कह रहा है? एक एक मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होगी। प्यारे बच्चों इस सवाल को अच्छे से समझिएगा, यह भी आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो प्यारे बच्चों किसी भी लेंस की क्षमता की बात आए तो क्षमता होती है P बराबर 1/f, P बराबर 1/f तब के लिए जब ये मीटर में हो, अगर वही सेंटीमीटर में होता है तो 100/f सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट लेंस की क्षमता क्या होती है? तो पूछा है एक मीटर फोकस दूरी, तो मीटर में है ना, तो कौन सा फार्मूला लगाओगे? ये वाला। क्या कर रहा है? एक मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होगी। उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? धनात्मक होता है। अब बोलो जहाँ f है अगर यहीं पर आप एक रख दोगे तो p बराबर क्या मिल जाएगा? 1/1, यानी जो क्षमता आ जाएगी उसकी एक डायोप्टर आएगी। तो प्यारे बच्चों ये वाला ऑप्शन आप टिक लगा लोगे। तो आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। फिर क्या है? इस बार 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता। अरे जा आप लोग देख रहे हैं लगातार वही क्वेश्चन, 15 के बाद 16 भी केवल यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है। तो सर जी ने अभी बताया था कि पी जब सेंटीमीटर में हो तब ये जो पावर होता है वो 100/f हो जाते हैं। जब कब? जब सेंटीमीटर में हो। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब किसकी फोकस दूरी है भैया? अवतल की फोकस दूरी है, और अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहाँ रख देंगे f के स्थान पे क्या रख देंगे? -50। 50 दूनी कितने हो गए भैया? 100 हो गए। तो इनकी जो फोकस, इनकी जो क्षमता आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? -2 डायोप्टर आ जाएगी। आइएगा प्यारे बच्चों
अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, जो ये सूक्ष्मदर्शी होती है, ये दूर छोटी छोटी वस्तुओं को बड़ा सा करके देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, और इसमें भी उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। फिर दूरदर्शी, दूर स्थित किसी भी वस्तु को देखने वाले यंत्र ही क्या कहलाता है, दूरदर्शी कहलाता है। इसमें भी उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। और मानव नेत्र तो आपने देखा ही है, हमने वीडियो की क्लास में पढ़ाया भी है कि जो मानव नेत्र में जो नेत्रिका लेंस होती है वो उत्तल लेंस की ही होती है। तो प्यारे बच्चों, इसलिए उत्तल लेंस का प्रयोग सभी में किया जाता है। फिर आगे क्या कर रहा है, जो मानव नेत्र है उन बताना है इन चारों में से मानव नेत्र के कौन कौन से भाग हैं। दृढ़ पटल, मानव नेत्र की सबसे ऊपरी वाली पटल दृढ़ पटल कहलाती है, जो क्या करती है, नेत्र की रक्षा करती है। आयरिस, जो सिकुड़ता है, फैलता है, जिसके माध्यम से नेत्र तारा छोटा और बड़ा होता है। पुतली, आपने देखा ही होगा जो नेत्र तारा होता है, एक छोटा सा छिद्र। तो यानी मानव नेत्र के ये सभी भाग है। नेत्र लेंस होता है प्यारे बच्चों, जो नेत्रिका लेंस होती है वो किसका होता है, तो प्यारे बच्चों नेत्र लेंस जो होता है उत्तल लेंस का होता है, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। यानी ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। मनुष्य के स्वास्थ्य में, स्वस्थ मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में, यानी जो किसी, जो कोई मनुष्य होता है उसका नेत्र पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, कहाँ पर बनता है प्यारे बच्चों, रेटिना पर बनता है। हमने ये आपको बताया है कि जो मान्य कोई भी व्यक्ति के द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो मानव नेत्र के रेटिना पर बनता है। इस प्रकार आपके जो 20 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो जाते हैं प्यारे बच्चों। आइए हम लोग आगे के क्रम में देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन लगाया गया है। चंद्रमा से आकाश देखने पर दिखाई देता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अगर आप आकाश को चंद्रमा से देखते हैं, जैसे आप चंद्रमा पे पहुंच गए तब आकाश को देखते हैं, तो आकाश का रंग कैसा होगा, यहां से देखते हैं तो आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। अब वहां से जब आप देखोगे ना, तो वहां जब अंतरिक्ष पे पहुंचोगे ना, तो वहां वायुमंडल नहीं है, तो जिसके कारण आकाश का रंग आपका क्या होगा, काला दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा, क से काला। आकाश का रंग कब कहां दिखाई पड़ेगा, काला दिखाई पड़ेगा प्यारे बच्चों। आगे क्या कर रहा है, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आप अगर जरा सा भी प्रिज्म पढ़े होंगे प्यारे बच्चों, तो प्रिज्म प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा कि जब कोई प्रकाश किरण, ध्यान समझिएगा, किसी भी धूल कणों से टकराती, जैसे आपने क्या कहा कि ये वायुमंडल में उपस्थित क्या हो गए, धूल कण हो गए, क्या पढ़े हो, ये धूल कण हो गए, ठीक। अब सूर्य ये हो गए आपके SUN, सूरज भाई। अब इनसे निकलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, जब ये वायुमंडल में प्रवेश करती हैं और जब ये धूल कणों से टकराती हैं, तो टकराने के पश्चात ये क्या होती हैं, चारों तरफ ये ऐसे फैल जाती हैं, ऐसे क्या होती हैं, फैल जाती हैं, ठीक। तो ये प्रकाश का क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। एक बात मुझे ये समझ में आ जानी चाहिए कि भाई साहब आप धूल कणों से टकराओगे, टकराने के बाद चारों तरफ फैल जाओगे, तो ये घटना प्रकीर्णन कहलाएगी, ठीक। अब किसका सबसे कम होता है ये आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, लाल एक ऐसा रंग होता है जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और जो बैंगनी होती है उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण आपका आसमान का रंग नीला दिखाई पड़ता है या आसमानी कलर का दिखाई पड़ता है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन का जवाब मिल गया, आगे आते हैं। कांच का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, किस रंग में या किस रंग का जो है कांच में अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो प्यारे बच्चों वो कौन सा रंग है, लाल ऐसा रंग होता है जिसका अपवर्तनांक कांच में सबसे कम होता है। आगे प्रश्न कर रहा, आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, किसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, अभी जस्ट हमने बताया प्यारे बच्चों किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्यों, क्योंकि सूर्य से 7 प्रकाश की किरणें निकलती है। अब सबसे ज्यादा नीला फैलता है, तो आसमान जैसे ही धूल कणों से टकराएगा नीला सबसे ज्यादा फैलेगा, नीला और बैगनी, तो इसलिए जिसके कारण आपको जो है प्रकाश का, सॉरी, बैगनी और जो कलर होते हैं वो ज्यादा फैल जाते हैं, जिसके कारण आपको आकाश का रंग क्या होता है, नीला दिखाई पड़ने लगता है। स्वास्थ्य नेत्र का निकटतम बिंदु क्या होता है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन कई बार पुट अप किए गए हैं, तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट
ट्रेंड में समझिएगा। स्वास्थ्य नेत्र का जो निकटतम बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, अर्थात आप 25 सेंटीमीटर तक नजदीक रख के वस्तु को आराम से देख सकते हैं। इसी से अगर पूछ लिया आप बताओ स्वास्थ्य नेत्र का अधिकतम बिंदु क्या होता है, दूर बिंदु क्या होता है, कि आप कहाँ दूर तक देख सकते हैं, कितनी दूरी तक देख सकते हो। तो प्यारे बच्चों अगर निकटतम बिंदु को पूछ हटा के अगर पूछ ले दूर बिंदु कितना होता है तो यही उत्तर हो जाएगा, अनंत दूरी पर, वो दूरी कोई निश्चित नहीं है। प्यारे बच्चों इंद्रधनुष किस कारण बनता है, अब इंद्रधनुष किस कारण बनता है प्यारे बच्चों, वर्ण विक्षेपण के कारण। किसके कारण, वर्ण विक्षेपण। कहोगे सर वर्ण विक्षेपण आप बताइए तब आगे बढ़िए क्या होता है, तो मैंने बताया वर्ण विक्षेपण क्या होता है। सुनिए जब कोई प्रकाश किसी प्रिज्म पर पड़ता है, जब कोई प्रकाश किसी प्रिज्म पे पड़ता है और प्रिज्म पड़ने के पश्चात वह सात रंगों में बट जाए, भाई साहब कितने रंगों में, सात रंगों में बट जाए, तो वो क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अब इंद्रधनुष कैसे बनता है, जब बारिश होती है तो बारिश होने के पश्चात तुरंत धूप हो जाता है, क्या हो जाता है, तुरंत धूप हो जाता है। मान लीजिए, इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, बारिश हुई, बारिश होते ही तुरंत धूप हो गया, तो जो धूप, जो बारिश की बूंदें हैं वो वायुमंडल में रुक जाती हैं, और वायुमंडल में रुकने के कारण जो बूंदें होती हैं वो प्रिज्म के जैसा व्यवहार करती है। आपने देखा होगा, इस क्वेश्चन को मिटाते हैं थोड़ा सा, आपने ये कर देख लिए होंगे, तो आपने ये देखा होगा जो वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो सेम टू सेम कमल की पंखुड़ी के जैसे होते हैं। चलिए प्यारे बच्चों कहाँ क्वेश्चन कहाँ पहुंचे थे हम लोग, बात हो रही थी वर्ण विक्षेप इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो आप देखे होंगे ना, जो बारिश होती है तो बारिश की बूंदे वो कमल के पंखुड़िया जैसे होती, तो वो क्या करती हैं, देखिए अगर ये एक प्रिज्म के जैसा व्यवहार करती हैं, और जब जैसे ही बारिश समाप्त होती है, जब धूप निकलता है, तो जो सूर्य से निकलने वाली किरणें जब इस वर्षा की बूंदों पर पड़ती है तो वह सात रंगों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है, सात रंगों में बट जाती है, तो जिसके कारण एक इंद्रधनुष का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इंद्रधनुष का कारण क्या है, वर्ण विक्षेपण है। आइए 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो प्यारे बच्चों यहां पूछ रहा है आपको अवतल दर्पण की क्या बताना है, फोकस दूरी बताना। प्यारे बच्चों इस पे और इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से समझ के जाओ, अच्छे तरीके से अभ्यास करके जाओ। प्यारे बच्चों 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, इसको मिटाते हैं जरा सा, क्या कह रहा है, इसको भी इधर भी मूव कर लेते हैं, आपको समझाते हैं जरा सा क्या कह रहा है बच्चों। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दे दी, फोकस दूरी पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों अभी हमने बता के रखा यह बराबर होता है आर बटे दो, आर कितना है प्यारे बच्चों 20 है, बटे दो कर दिए कितना आ गया 10, तो यह बराबर क्या आ गया प्यारे बच्चों 10 सेंटीमीटर। तो ये आप ऑप्शन नंबर ये ठीक लगा लिए प्यारे बच्चों। अगर कुछ नहीं आए तो मैंने बार बार पूछा, केवल पता करो, यफ पूछा रहेगा इसका आधा, आर पूछा रहेगा तो इसका दुगना। अब -5 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी। तो प्यारे बच्चों अभी हमने बताया लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस की जो क्षमता होती है वो P बराबर क्या होता है, 1/f होता है, क्या होता है 1/f। अब P दिया है, देखो कितना दिया है, -5 डायोप्टर दिया है, कितना दिया है प्यारे बच्चों, -5 डायोप्टर दिया है प्यारे बच्चों, ये देखिएगा ठीक। अब आप देखिए P का मान कितना है, -5। अब यहां कह रहा है किस लेंस की क्षमता पूछा है प्यारे बच्चों, जरा सा क्वेश्चन को इसको ये देखिए, यहाँ -5 डायोप्टर। चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन ये था 5 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो प्यारे बच्चों अब आप यहाँ P का मान क्या करेंगे, 5 करेंगे, फिर 1/ क्या कर देंगे, यफ कर देंगे। प्यारे बच्चों ये फोकस दूरी पूछ रहा है, तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे कि हम इनको इधर लाएंगे, इनको इधर कर देंगे, तो एफ बराबर क्या आ गया 1/5। तो प्यारे बच्चों जब डिवाइड करोगे इसे तो 0.2 आएगा। अब कैसे डिवाइड करोगे, 5 से 1 में भाग दिए तो जाने वाला नहीं प्यारे बच्चों, पॉइंट लगाए 0 × 5 × 10 तो कैंसिल हो गए, यानी क्या आ गया 0.2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, 0.2। आगे क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, जो दृश्य प्रकाश होता है यानी जिनको हम लोग देख सकते हैं उसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है। तो प्यारे बच्चों उसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है, 400 से 800 तक लगभग होते हैं। आगे क्या कर रहा है,
दूरदृष्टि। दोष के कारण जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां बनता है? सबसे पहले याद बच्चों, दूरदृष्टि दोष क्या होता है? वह दोष जिनमें दूर की वस्तुएं आपको अस्पष्ट दिखाई पड़ती हैं और नजदीक की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती हैं। इसमें जो प्रतिबिंब होता है और रेटिना से क्या हो जाता है? दूर बनता है। कहां बनता है? रेटिना से दूर बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? यह है। और ध्यान समझिएगा, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का उपयोग करते हैं प्यारे बच्चों? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आज आपको वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए गए हैं प्यारे बच्चों। डियर स्टूडेंट, प्रकाश से रिलेटेड जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आपको बता दिए गए। अगर ये आप 30 क्वेश्चन तैयार करके जाते हैं तो आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले प्यारे बच्चों। और कल के लेक्चर में विद्युत से बता दिया जाएगा और इसके अगले वाले लेक्चर में आपको 4 नंबर और 7 नंबर वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको बता देंगे। यानी 3 लेक्चर में आपके 10 की जो फिजिक्स है वो पूर्ण रूप से आपको तैयार करा दिए जाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।